हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत से स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन उठा हुआ है कि क्वेश्चन का पैटर्न, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पैटर्न कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसमें टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये सीबीटी एग्ज़ाम होगी दोस्तों। जैसा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे का वैसा होगा, मतलब कि जिस टाइप से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसके पहले हुआ है वैसा ही अभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे का वैसा ही होगा। बट अभी जो चेंजेस आए हैं वो आपको देखने मिलेगा कि जो सीबीटी एग्ज़ाम है उस सीबीटी एग्ज़ाम में चेंजेस यहाँ पर देखने मिलेंगे आपको। चलिए कैसे चेंजेस देखने मिलेंगे तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो एनसीवीटी की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी उसमें आईटीआई परीक्षा जो पद्धति है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं जो जिनका फ़ोन मुझे और मेरे पास आ रहा है, बार बार मुझे कॉलिंग करके ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से है और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो इसमें ईडी वाला जो है, ईडी की एग्ज़ाम इसमें सबसे ज़्यादा संशय बना हुआ है कि बहुत सी स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि ईडी की जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हुआ करती थी, अब ईडी की एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हो गई है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें लिखा है आईटीआई पद्धति में कुछ बदलाव किए गए हैं। बोर्ड लेवल पर अब आईटीआई केवल दो परीक्षा आयोजित होगी, एक होगी प्रायोगिक जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं और दूसरी परीक्षा होगी थ्योरी, मतलब कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। प्रायोगिक परीक्षा पहले की ही तरह होगी, मतलब पहले जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती थी वैसे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी। लेकिन जो सीबीटी एग्ज़ाम है ये चार विषय में, मतलब कि चार उस जो विषय है उसमें, पहला है ट्रेड थ्योरी का, दूसरा है वर्कशॉप गणना विज्ञान जिसे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन कहते हैं, और थर्ड है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और फोर्थ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में ही होंगे, मतलब चार ऑप्शन जिसमें होंगे। अब सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आईटीआई सीबीटी परीक्षा पैटर्न, जैसा कि 10 मार्च 2022 को हुई जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 घंटे की अवधि के लिए एक सीबीटी परीक्षा होगी जिसमें 150 मतलब 150 अंकों के साथ में 75 प्रश्न होंगे। अब ये 75 जो क्वेश्चन है, ये 75 क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए इसमें ट्रेड थ्योरी जो है वो और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तो इसमें ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी होगा WCS का, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी होगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। मतलब चारों को एक ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में डिवाइड कर दिया गया और टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पर दिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन प्रश्न और अंक को किस तरह से डिसाइड किया गया है। तो इंजीनियरिंग जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड थ्योरी के लिए ये 100 अंक का होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 अंक का होगा। क्लियर है दोस्तों? अब इंजीनियरिंग जो ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड में आ जाता है इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, ये इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाते हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है ये सभी ट्रेड में जो ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा वो 100 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा, और जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 अंक का होगा। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो किस टाइप से होगा कि सबसे पहले ट्रेड थ्योरी होगी जिसमें 38 प्रश्न होंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन कितने रहेंगे? 38, और ये 75 नंबर का होगा। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है ये इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 12 अंक का होगा, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी क्वेश्चन का जो होगा 6 क्वेश्चन ही होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। टोटल जो हो गया 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 25 नंबर का होगा,
ये 25 प्रश्न होंगे और ये 50 नंबर का होगा, तो 25 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, तो टोटल ये हो जाएगा 50 अंक का। अब जो गैर इंजीन जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कि बहुत से ट्रेड होते हैं, जैसे मेशन का हो गया, कटिंग वाला हो जाता है, ठीक है, फूड फूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है कोर्स होते हैं आईटीआई में, 6 मंथ वाले और 1 ईयर वाले जो कोर्स होते हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग, जैसे टेलरिंग वाला हो गया, ये नॉन इंजीनियरिंग होता है। तो गैर जो इंजीनियरिंग मतलब नॉन इंजीनियरिंग में जो ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसमें भी पूछा जाता है, ये 50 नंबर का होगा। इसमें ट्रेड थ्योरी जो है ये 50 नंबर का होगा, ठीक है, 50 प्रश्न होंगे, सॉरी ट्रेड थ्योरी, और ये 100 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये 25 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। तो ऐसा 150-150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे नॉन इंजीनियरिंग में भी। तो हमारे लिए जो है, जितने भी स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट ये इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये सभी ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में टोटल थ्योरी होगा ये 100 अंक का, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 अंक का होगा। तो यहीं से यही पैटर्न आपको याद रखना होगा। ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इसमें पार्ट ए पार्ट बी में दे देगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, पार्ट सी में दे देगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, और पार्ट डी में दे देगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देगा, और उसमें क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर टोटल दिए रहेंगे दोस्तों। तो टोटल जो मार्क्स का होगा वो 150 मार्क्स का ही होगा, जिसे डिवाइड कर दिया गया है। अब 38 को आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 38 ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन, और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 6 क्वेश्चन। तो टोटल जो हो जाएगा ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अभी जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने क्वेश्चन आएंगे ये इससे यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम की जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी उस सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न इस टाइप से होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान में अभी एग्ज़ाम की जो डेट आई है, ये डेट है आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आई है, और प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की डेट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए उसके बाद जैसी सीबीटी एग्ज़ाम जो होगी उस सीबीटी एग्ज़ाम में उस टाइप से पैटर्न में पूछा जाएगा। चलिए तो ये तो हुआ इन्फॉर्मेशन। अब जो स्टूडेंट को, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, कृपया करके वो स्टूडेंट को जिनको पता नहीं है तो आप बताइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पैटर्न के बारे में नहीं पता और वो परेशान होते हैं, इसलिए ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।